In this video, I'm going to talk about the anti-clotting drugs. अब anti-clotting drugs कौन सी drugs होती है हमारे पास जो clotting को antagonize करते हैं और उसको oppose करती है. क्यों? क्योंकि कुछ patients हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें thrombus बनने का, embolus बनने का chances होते हैं, clotting के, excessive clotting के chances देते हैं. तो अगर उसकी significance क्या है कि अगर वो thrombus जो है for example बना और वो embolus के through जाके brain की किसी vessel में उसने ब्लड सप्लाई को रोक दिया तो हमारे पास सिवियर साइड इफेक्ट्स हमारे पास आ सकते हैं. तो इसीलिए हम इन साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स यूज़ करते हैं. एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स की मैं क्लासिफिकेशन की बात करूंगा यहाँ पे. सबसे पहले जनरल क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, फिर उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक एक ड्रग के मैं बाद में सेपरेटली अगले वीडियोज़ में समझाऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी कोएगुलेंट्स हमारे पास होते हैं इन द एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स. एंटी कोएगुलेंट्स नाम से जो रहे हैं कोएगुलेशन को इनहिबिट करेंगे और एंटेगनाइज करेंगे, अपोज करेंगे. फर्स्टली हमारे पास देर आर इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स. नाम से शो हो रहा है हमारे पास डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स भी हैं. तो डायरेक्ट क्या करेंगे कि डायरेक्ट जो है हमारे पास डायरेक्टली थ्रोम्बिन को इनहिबिट करेंगे. इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स किसी इनडायरेक्ट मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास थ्रोम्बिन को जो है वो इनहिबिट कर रहे होंगे. इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स इंक्लूड हेपरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, एनाक्सिपिरिन, डेल्टापिरिन एंड टेनसिपिरिन एक्सेट्रा. डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंटरल या ओरल. पेरेंटरल में हेरिडिन, लेपिरिडिन, ओरल में डबेकेट्रिन. देन देयर इज ओरल डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर्स. डायरेक्ट फैक्टर 10A वो ड्रग्स जो 10A फैक्टर को इनहिबिट करेंगे डायरेक्टली उसके साथ बाइंड करके. तो डायरेक्ट जो है वो मोस्टली डायरेक्ट फैक्टर के साथ बाइंड करेंगे, उसमें इसको इनहिबिट कर देंगे. इनमें एपिक्सिबिन एंड टेबिक्सिबिन ये ड्रग्स आ जाती है हमारे पास. देन देयर इज वॉरफेरिन एंड क्यूमरिन एंटीकोएगुलेंट्स. इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके. एंटीकोएगुलेंट्स हमने ये क्लासिफिकेशन देखी. देन देयर इज थ्रोम्बोलिटिक्स. थ्रोम्बोलिटिक्स जो हमारे पास बन रहा है क्लॉट, उस थ्रोम्बिन जो है उसको ब्रेक कर रहे हैं, थ्रोम्बिन क्लॉट को ब्रेक कर रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट आ रहा है. इसमें हमारे पास टीपीए डेरिवेटिव्स, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर. प्लाज्मिनोजेन जो है वो प्लाज्मिन में एक्टिवेट होता है. प्लाज्मिन जो है वो क्लॉट को डिसॉल्व करवाता है. जब ये हमने बाहर से दिया, एडमिनिस्टर किया तो क्लॉट को डिसॉल्व करवाया, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एंटी क्लॉटिंग एक्टिविटी आ जाएगी. स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड देन देयर इज डेरिवेटिव्स और अदर्स दैट इंक्लूड्स यूरोकाइनेज एंड एंटी स्ट्रेप्लेज. एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की अगर मैं बात करूं तो नाम से जो हो रहा है कि प्लेटलेट क्लॉट की इनहिबिशन करेंगे, उसको अपोज करेंगे, प्लेटलेट क्लॉट ना बने हमारे पास. इसमें हमारे पास एस्पिरिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, साइक्लो ऑक्सीजिनेस इनहिबिटर्स. ये इसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन में है एस्पिरिन एंड सल्फापिरिजिन. प्लेटलेट एडीपी रिसेप्टर पाथवे इनहिबिटर्स, जो रिसेप्टर एडीपी रिसेप्टर है उसको इनहिबिट कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास आगे की एक्टिविटी इनहिबिट हो रही है, प्लेटलेट क्लॉट नहीं बन रहा. क्लोपिड्रिल एंटीक्लोपिडिन. देन देयर इज प्लेटलेट GP2B3A एंटागोनिस्ट्स. ये भी रिसेप्टर्स होते हैं और ये मैकेनिज्म में, क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में, प्लेटलेट क्लॉटिंग के मैकेनिज्म में हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं. इसको एंटागोनाइज हम करेंगे इन ड्रग्स के थ्रू तो हमारे पास एंटी क्लॉटिंग इफेक्ट आएगा. तो ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है ये हम स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोज इन डिटेल्स.